Krishna Karuna Sindhu Dhinavandhu सब कथा सुनने आ जाओ सब छोड़ करके हे हरि बोल निखिला प्रभु कृष्ण पाद अष्टो कर सते श्री श्री श्रीमद् भक्ति श्री सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज के चरण कमल में आनंद कोटि साष्टांग दंड कर तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म निखिला प्रभु कृष्ण पाद अष्टो कर सते श्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सार्वजनिक श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को यथाजोग प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण आ रहा है। हरे कृष्ण कल हम लोग श्रवण कर रहे थे जब वसुदेव महाराज विश्व शांति महायज्ञ कर रहे थे, बीच में जब श्री नारद जी आए उन्होंने यज्ञ को बंद करा दिया, क्योंकि बोले यज्ञ का फल हमें मिल गया। कर यज्ञ का फल क्या है? यज्ञ का फल है भक्तों का दर्शन। जब जीवन में भक्तों का दर्शन मिल जाए तो समझना हमारा जीवन का सारे दुख हमारी समाप्त हो गया। इसलिए भागवत ने बताया भक्तों का दर्शन कब हमें मिलता है। बल भवा अपवर्ग भ्रमित जदा जनस्य तहिर अच्युत सत्समागम सत्समागम जहिर बराबर स जाए त्वरति। इसका मतलब है हम भगवान को अनादिकाल से भगवान को भूल करके ये 84 लाख जन्म में हम भटक रहे। कभी राजा, कभी प्रजा बनते, कभी दुखी बनते, कभी सुखी बनते हैं, कभी नरक में जाते हैं, कभी स्वर्ग में जाते हैं, कभी ये मरते जगत में आते हैं, कभी कीड़े कभी मकोड़े, ऐसे ही हम ये जन्म जन्मांतर तक हम भ्रमण कर रहे हैं। फिर ऐसे भ्रमण करते करते हमारी कुछ भक्ति उन्मुख सुकृति हो रही है। भक्ति उन्मुख सुकृति मतलब अगर जान अनजान में भगवान की कोई भक्त और भगवान के लिए अगर कोई काम हो जाता है कटिए भक्ति को बढ़ाने वाली है। जैसे वो कथा कहते हैं ना, एक बूढ़ी माता जी थी, एक संत रोज इसी काम में भिक्षा करने जाते थे, लेकिन वो बड़ी कंजूसी, एक पैसा भी शरीर कभी घर से निकलती नहीं है। रोज वो बाबा को गाली देती थी, कोई काम धाम नहीं, भीख मांगने के लिए आ जाते हो। लेकिन वो बाबा रोज उसी गाँव में जाता था। एक दिन सवेरे वो पोछा लगा रही थी, पोता लगा रही थी, मिट्टी और गोबर हैं सिर्फ घर की पोता लगा रही थी। सवेरे सवेरे पहुंच गए, अरे माता जी कुछ भिक्षा दो। बोले दाढ़ी के तू सवेरे सवेरे भीख मांगने के लिए आ गया हैं? बोले ले भिक्षा। वो जो कपड़ा था मिट्टी और गोबर से फेंक कर मारे, उसने देखा कुछ तो देती नहीं, आज तक कम से कम कुछ दे दी। उसको ले करके उन्होंने नदी में मल मल करके धोए, धूप में सुखाए और शाम को बर्ती बनाए, घी में भिगा करके ठाकुर जी को हमने आरती उतारी। जय जय राधा कृष्ण जुगल मिलन आरती करे ललिता दि सखी हन मदन मोहन रूप त्रिभंग सुंदर पीताम्बर सिखि पुछ चूड़ा मनोहर ललित माधव वामी वृषभ अनु कन्या नीला
बसना गौरी रूपे गुने गन। जब उन्हें ठाकुर जी का आरती उतारने लग गए, लेकिन चूंकि वो किसकी कपड़ा है, वो माता जी का, जब वह चीज ठाकुर जी का सेवा में लग गया, अपने आप उसको सुकृति बन गई, उसको सुकृति बन गई, उसका हृदय अपने आप बदलने लग गया है, अपने आप बदलने लग गया। बोले हाय रे, मैं तो संतों को कुछ दिया ही नहीं, और मिट्टी गोबर से हाँ पोता हुआ कपड़ा मैंने मारा उसको ऊपर में, इसलिए मैंने ठीक नहीं किया। कल बाबा आएंगे ना, फिर बाबा जी को माफ़ी मांगूंगी, कुछ भिक्षा दूंगी। बाबा रोज आते थे, बोले सबेर आए, रोज तो गाली देती थी, आज वो दूर से बुलाया, बोले बाबा मेरे घर में आई हो। लेकिन बुढ़िया का क्या हो गया, कल तो उसने पुत्र फेंक करके मारी, आज बुला रही है। जब आए माफी मांगी, प्रणाम किया, आसन दे करके बैठाए, कुछ भिक्षा दिया। ऐसे ही जान एवं अनजान में जब किसी वैष्णव और भगवान के लिए हम कुछ कर डालते हैं, तो उसको कहते भक्ति बढ़ने वाली, इससे भक्ति बढ़ती है। इसलिए ऐसे इकट्ठे होते 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 तब क्या होता है, तहिर अचूत सत्समागम, जब वो सुकृति बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाता है, फिर भगवत इच्छा से उसको भक्तों का संगम मिलता है। बोले सत्समागम जहीर, जब उसको सत्संग प्राप्त होता है, वैष्णव का संग मिलता है, फिर उसको पता चलता है मैं कौन, कहाँ से आया, मेरे को क्या करनी चाहिए, हैं ये जीवन क्या है, फिर उसको ये बात पता चलता है। फिर क्या होता है, बोले पराभरे से जाए कोई गति, जब भक्तों का संग करेंगे, हरि कथा सुनेंगे, फिर धीरे 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 हमारी जो मति, धीरे धीरे हमारी भावना ठाकुर जी का प्रति, फिर गुरु वैष्णव का प्रति धीरे धीरे आएगा, फिर जीव संसार से मुक्त हो जाता है। इसलिए यहाँ पर जब श्री नारद जी दर्शन हो गया, उन्होंने सारे जग के उन्होंने बंद कर दिया। इसलिए कहते ब्रह्मांड ब्रह्म के कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता दी। इसलिए ब्रह्मांड ब्रह्म करते जो सौभाग्यवान व्यक्ति को ही शुद्ध वैष्णव का दर्शन मिलता है, जब जीवन में शुद्ध वैष्णव दर्शन मिल गया, बस उसको सब काम हो गया उसका। समझो सारे जितने पुण्य हैं, जितने सुकृति, सार सबके सब सार्थकता हो गया। इसलिए उन्होंने भगवान नारद जी को उन्होंने आसन पर बैठाए, हैं जितने सबके सब यज्ञ के लिए इकट्ठे किया था, धूप दीप नैवेद्य अगुर चंदन कर्पूर, तो सबके सब देकर श्री नारद जी की पूजा की, पूजा करके उनका चरण को नीचे बैठ गए। बैठ करके उनसे प्रश्न करते हैं, क्या प्रश्न करते हैं, दुर्लभ मनुष्य जन्म दही नाम कर्ण मंदुरम तथापि दुर्लभ मन वैकुंठ प्रिय दर्शन। एक तो ये मानव शरीर दुर्लभ, लेकिन उससे भी ज्यादा दुर्लभ क्या है, वैकुंठ प्रिय दर्शन। अगर भगवत भक्तों का अगर दर्शन हो जाता है, तो भगवत दर्शन से भी ज्यादा महत्व भक्त दर्शन। इसलिए कपिलदेव घर में, भगवान कपिलदेव है, लेकिन कर्दम ऋषि भजन करने के लिए जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, भगवान तो तुम्हारे घर में बैठे हैं, फिर तो भक्ति करने के लिए किसके लिए जा रहे हैं, हाँ भक्ति क्यों करने के लिए जा रहे हैं। जब तक तो भगवान की भक्ति नहीं करोगे ना, भगवान डायरेक्ट रहने पर भी हमारे कोई लाभ नहीं होने वाले हैं। जब तक तो भक्ति नहीं करोगे, हृदय में भक्ति नहीं आएगा, तब तक भगवत दर्शन भी हमारे कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए तो उनको उन्होंने प्रश्न करते हैं, आत्मा को शांति कैसे मिले, आत्मा को शांति कैसे मिले, क्योंकि ये शांति ही जगत में सबसे अनमोल वस्तु है। अगर हमारे रुपया पैसा धन दौलत दुकान मकान सब कुछ है, लेकिन अगर शांति नहीं तो सब बेकार है, वो रहना धरना सब बेकार है। अगर दो रोटी में अगर शांति मिलती है ना, वही बढ़िया है। अगर शांति नहीं मिलती है, तुम्हारे सब कुछ तुम्हारी सब बेकार, धरना रुपया पैसा दुकान मकान सब तुम्हारी बेकार ही। मूल है जीवन में शांति, इसलिए उनका प्रश्न है शांति कैसे मिले। जब उन्होंने ये बात बताई, बोले यही प्रश्न को श्री नव जोगेंद्र जब श्री नैमि महाराज के दरबार में आए, तो उन्होंने यही नव जोगेंद्र को उन्होंने नाट उन्होंने प्रश्न किया था। इसलिए जो कवि को उन्होंने ये पहला प्रश्न किया, आत्मा को शांति कैसे।
कैसे मिलेगी। तब उसका उत्तर में श्री कवि कहते हैं, बल भयम द्वितीया विनिवेशत स्यात् ईसात अपेत विपर्जय स्मृति तन्मायात बुद्ध अवजे भक्त एसम गुरुदेव तात्मा। वो कह रहे प्रश्न है पर ये अशांति क्यों है, प्रश्न कर रहे शांति मिलेगा कैसे। अभी प्रश्न आता है भैया अशांति क्यों है, इसका क्या कारण है। बोले अशांति का एक ही कारण है, हमने भगवान को भूल गए, भगवान को भूल गए। इसलिए महाप्रभु को सनातन गोस्वामी यही प्रश्न किया था। हमने दो प्रश्न किया था, पहला प्रश्न था के आमी, मतलब मैं कौन हूँ, है के न मरे जारे तापत्रय, कोई दुख को घर में निमंत्रण नहीं देता हमारे घर में आओ, लेकिन ये बिना बुलाए ये दुख घर में क्यों आता है। ये आध्यात्मिक आदि दैवी आदि भौतिक ये दुख क्यों जीव को सता रहा है। इसलिए महापुरुष को उत्तर दिया, दुख का केवल एक ही कारण है। क्या कारण है, कृष्ण भूली सही जीव अनादि बहिर्मुख अतएव माया त्यागे संसार। दुख का केवल एक ही कारण है, हम भगवान को भूल गए। हमारे जो परम पिता हाँ जो भगवान है जिनका हम संतान हैं, हमने भगवान को भूल गए। भूलने के नाते उनकी जो बहिरंगा शक्ति जो माया, जो तुम भगवान को भूल गया अभी तक दिखाता हूँ। इसलिए उन्होंने ये दो शरीर दे दिया, एक तो आवरणात्मिक और एक दिखे बात। आवरण मतलब कि जो ऊपर जो शरीर दिख रहा है, कितनी जल पाप अगर गगन समझे है, मिट्टी वायु अग्नि जल आकाश के ऊपर दिख रहे हैं। और एक शरीर है सूक्ष्म शरीर, जो मन बुद्धि अहंकार और चित्त है, ये शरीर से तो ऊपर ढक दिया और अंदर के द्वारा क्या क्या उन्होंने भगवान से दूर फेंक दिया। इतने दूर फेंक दिया, अगर आपको पूछे कौन है, बोले तो मेरा नाम ये है, ये मेरी बीवी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मकान है, दुकान है, ये सब उदाहरण दिया। पिशाची पाइले जन्म अतिथर न आए, माया ग्रस्त जीवर है सेवा उदय। मतलब है जब किसी व्यक्ति को भूत पकड़ ले, उसको पूछो वो अपनी परिचय नहीं देगा, वो भूत का परिचय देगा। मैं अमुक जगह में रहता था, उसने ऐसे केस खोल करके जा रहा था, लग गया, मैंने पकड़ लिया उसको साथ में। वो अपना परिचय नहीं देगा, भूत का परिचय देगा, है भूत का परिचय देगा। अभी हमको भी ऐसे भूत पकड़ा है, अब सबको एक भूत पकड़ा है, क्योंकि हम असली परिचय नहीं दे रहे हैं। हम पूछो तो कोई बोलेगा हम भगवान की संतान हैं, हम आत्मा हैं, न जायते न म्रियते अज्ञो नित्य शाश्वत, ये आत्मा कोई बोलेगा हाँ, हम ईश्वर का अंश है, हमें कोई परिचय नहीं दिया। क्या देगा, मैं अमुक का बीवी हूँ, अमुक का बेटी हूँ, अमुक का घर है, मेरे मकान यह है, मेरे दुकान, ये सब भूत का परिचय। हम सब भूत एक भूत में पकड़ कर रखे, सबके सब भूत पकड़ रखे हैं। इसलिए ये सारे दुख का मूल कारण है, हम भगवान को भूल गए। अतएव माया तारिते संसार, इसलिए भगवान की बहिरंगा शक्ति माया ये संसार रूपी दुर्गा ने क्या किया, ये दुर्ग बनाया है। दुर्गा देवी ने उन्होंने दुर्ग बनाया, एक जेल बनाया। और जेल किस लिए बनती है, सुधारने के लिए। अगर इसमें दंड मिलेगा ना है, अगर दंड मिलेगा तो सुधर जाएगा। बोले तो भैया और चोरी नहीं करेंगे, भैया और चोरी नहीं करेंगे, इतना कष्ट दुख कष्ट जा करके हैं रहना पड़ता है। कहते लिए संसार में जो दुख कष्ट है, इसलिए भगवान दुख कष्ट दे रहे हैं, तुमको समझ में आ जाए ये संसार हमारे घर नहीं, संसार में दुख कष्ट है, बैक टू गॉड है, अपना घर में वापस चलो, अपना घर में चलो। बोले ये घर हमने बनाया ना, बोले ये घर घर हमारे लिए रिव्यू होकर के आए, ये हमारे घर नहीं है, हमारे घर तो ठाकुर के पास में अपना घर है हैं। इसलिए बोले भयम, इसलिए जगत में भय, हम सबको सब डरे हुए, बेटा नहीं चल जाए, बेटी नहीं चल जाए, पैसा चले नहीं जाए, दुकान मकान नहीं चल जाए, देखना सब डरे हुए हैं, सबके सब डरे हुए हैं संसार में। बेटा के पढ़ने के लिए गया, अगर 10 मिनट 20 मिनट देर हो गया क्या हो गया, मन में तरह तरह का, कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गई, कोई किडनैप तो करने नहीं लिया, अगर आधा घंटा रह गया तो पागल हो गया, 1 घंटा हो गया ना फिर तो भाग दौड़ करने लग जाते कहाँ कहाँ है। इसलिए कहते कहते इस भय क्यों है,
भय का एक ही कारण है, बोले द्वितीया अभिनिवेश। हमारी जहाँ अभिनिवेश होनी चाहिए, जहाँ प्रेम होनी चाहिए, वहाँ प्रेम नहीं करके हम दूसरे वस्तु में प्रेम कर रहे हैं। प्रेम तो तुम लोग ठाकुर जी को करनी चाहिए, जो सच्चिदानंद रूप है, जो आनंद स्वरूप, जो प्रेम स्वरूप है, जो भक्ति स्वरूप, भगवान को प्रेम करनी चाहिए। लेकिन उसको तो प्रेम नहीं किया हमने, प्रेम हड्डी मांस चमड़ा और टाटी पेशाब थली को ही हमने प्रेम करनी। इसलिए ये जितने सारे भय हैं, इसलिए ईसात अपेद विपर्जय स्मृति, इसलिए हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गया है, हमारा बुद्धि सब खराब हो गया है। फिर क्या करनी चाहिए? बुद्धि तो खराब हो गया, भगवान भूल गए, माया में चले, फिर क्या करनी चाहिए? फिर हमें जैसे कि छोटा बालक जैसे एकदम सरल मति होता है, एकदम उसकी बुद्धि जैसे एकदम सरल होता है, ऐसे होकर के फिर हमें ठाकुर जी की शरण में जानी चाहिए। ठाकुर जी की शरण में जानी चाहिए, भगवान की शरण में। लेकिन डायरेक्ट तो ठाकुर का शरण में नहीं जा सकते, इसलिए बोले भक्त ही तो ये सब गुरुदेव तात्मा। इसलिए क्या करनी चाहिए? पहले हमें श्री गुरु जी की शरण में हमें जानी चाहिए, है गुरु जी को पहले देवतात्मा। गुरु जी को क्या मानो? देवता एवं अपना आत्मा मानो। जैसे आत्मा के बगैर ये शरीर रह ही नहीं सकती है, उसी तरह गुरु जी के बगैर हमारे कोई काम हो ही नहीं सकता है। इसलिए ये बताए ना, तीन तरह का सेवक है, उत्तम मध्यम और कनिष्ठ। उत्तम भक्त कौन है? शिष्य। तो भगवान को जितने सम्मान, जितने सेवा पूजा है, उससे ज्यादा श्री गुरुदेव को जो करते हैं, कहती है उत्तम है। मध्यम कौन है? बोले जितना ठाकुर जी को करते हैं, उतना श्री गुरुदेव को करते हैं। इसलिए जैसे देव परा भक्ति जथा देव तथा गुरु, जैसे भगवान को ऐसे ही श्री गुरु जी को सम्मान, गुरु जी को भक्ति करते हैं। तसे से कथिताध्यात्मा, इसलिए तब भी हृदय में ये सारे तत्व ज्ञान को स्फूर्ति होता है। बोले सबसे छोटे कौन है? बोले भगवान को तो बड़े आदर करते हैं, भगवान को बड़े सेवा पूजा करते हैं, लेकिन गुरु जी को इतना महिमा नहीं देते। अरे गुरु जी साधारण, भगवान जैसे थोड़ी हो सकते हैं। इसलिए गुरु जी को छोटा और भगवान को बड़ा जो मानते हैं, कभी कनिष्ठ रखते हैं। इसलिए कहते हैं गुरुदेव तात्मा है, गुरुदेव को अपना आत्मा समझनी चाहिए, देवता स्वरूप में गुरुदेव की शरण में जानी चाहिए। इसलिए भक्त ही ए सब गुरुदेव तात्मा। फिर गुरुदेव का शरण जाएगा तो क्या होगा? गुरुदेव क्या बोलेंगे? क्या मेरा ही पूजा करो, मेरा ही भक्ति करो? नहीं। जगत में ऐसे बहुत सारे संप्रदाय हैं, वो तो लोग क्या कहते हैं? जय गुरुदेव, भगवान भगवान कुछ नहीं। जय गुरुदेव का आश्रम है ना, अब जाकर देखोगे इसमें भगवान भगवान कुछ नहीं है, भगवान भगवान इसमें कुछ नहीं, बस गुरुदेव ही, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। कहते गुरुदेव ही सब कुछ, श्री गुरुदेव है। कहते नहीं, सब कुछ गुरुदेव, गुरुदेव तो सब कुछ है, लेकिन जो गुरुदेव है गुरुदेव ये नहीं बोलते। गुरुदेव मीडी मीडिएट, उसको क्या बोलते, मीडिएट होता है। जैसे ये जीव को है, तो ये जीव को वो भगवान तक पहुंचा देते हैं। इसलिए बोले अखंड मंडलाकारम व्याप्त जेन चराचरम तत्पद दर्शितम जेन तस्मय श्री गुरु नमः। गुरु जी कौन है? अखंड मंडलाकारम व्याप्त जेन चराचरम, मतलब अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड कण कण में जो भगवान की विद्यमान है, कहते उनके चरण को जो हमें दर्शन करा दी थी श्री गुरुदेव है। इसलिए गुरुदेव, जैसे एक लड़का लड़की होता है ना, उसका बीच में एक बिच्छू वाला होता है, वो क्या करता है? दोनों लड़का लड़की को मिला देते हैं, वो दोनों को लेकर मिला देते हैं। इसी तरह गुरुदेव कौन है? जो हमें लेकर के भगवान के चरण में पहुँचा दे, भगवान तक पहुँचा दे। ऐसे नहीं बीच में वो लड़की को शादी कर दे, पता है ना, तो क्या करते हैं वो, लड़का लड़की को मिलाने वाले, ऐसे नहीं लड़का को छोड़ करके खुद शादी कर ले, ये काम बोलती थी नहीं। हाँ इसलिए इनका काम है
भगवान तक जीव को लेकर पहुंचा दे। इसलिए बोले गुकार अंधकारत्वात् रूकात् तस्य निरर्थक। कभी गु मतलब होता है अंधकार, रू मतलब होता है दिव्य आलोक। हमारे हृदय की अज्ञान रूपी अंधकार को जो हटा करके दिव्य आलोक, भगवान की प्रेम भक्ति रूपी आलोक जो हृदय में जगा देता, तो ये गुरु जी का काम है। इसलिए गुरु जी को दो रूप मानी गई है, एक है श्री नित्यानंद अभिन्न स्वरूप, दूसरे है कि निकुंज झूर्ण रतिकेल सिधई जाजाल बीज तिरपेक्षणिया तत्रादि दाक्षादति वल्लभस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। गुरु जी को दो स्वरूप माने, एक तो श्री अभिन्न बलदेव रूप नित्यानंद स्वरूप, दूसरी है राधा रानी की निकुंज लीला में उनकी सेवा करने में जो एक्सपर्ट है उनकी सेवा में, ये गुरु जी का दो स्वरूप मानिए। बोले सब गुरु को क्या ऐसे कि सब गुरु को ऐसे मानेंगे, ये नित्यानंद प्रभु अभिन्न और राधा रानी की अत्यंत प्रिय ये सखी क्या सबको मानेंगे? बोले सबको नहीं। बोले किसको मानेंगे, किसको मानेंगे? बलदेव प्रभु अभिन्न किसको मानेंगे? बोले जो बलदेव प्रभु का आदर्श आदर्श को ग्रहण करते हैं। बलदेव प्रभु क्या करते हैं? कृष्ण से ये अभिन्न है, कृष्ण से अभिन्न, केवल काले और गोरे इतना फर्क है, लेकिन होते हुए भी वो करते हैं क्या, 10 शरीर से प्रभु का सेवा करते हैं। भगवान का पादुका ही बलदेव प्रभु, इनके वस्त्र भी बलदेव प्रभु, उनकी जने भी बलदेव प्रभु, उनका छत्र भी बलदेव प्रभु, उनकी आसन भी बलदेव प्रभु, चामर भी बलदेव प्रभु, उनकी पंखा जो झुला तो वो भी बलदेव प्रभु, मृदंग भी बलदेव प्रभु हैं। वो संपूर्ण 10 शरीर से कृष्ण सेवा करते हैं और पंच रसों से कृष्ण सेवा करते हैं, शांत दास्य सख्य वात्सल्य मधुर, ये पंच रसों में बलदेव प्रभु कृष्ण सेवा करते हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं वही गुरुदेव कृष्ण अभिन्न है। कौन है? बोले सदारत जीने विग्रह सेवने श्रृंगारा दियार मंदिर मार्जने करे निजुक्त अनुगत जने बंदे से गुरु चरण कमल। इसलिए गुरु जी की प्रणाम करते ना है, सिमित्र आराधन नृत्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जनादो युक्त से भक्तांश निजुंज तो भी वंदे गुरु श्री चरणारविंद। तो गुरु क्या करते हैं, स्वयं 24 घंटा में 24 घंटा भगवान की भजन करते हैं, ठाकुर जी को सेवा करते हैं और इनकी अनुगत्य में आने वाले व्यक्ति को क्या करते हैं, ठाकुर जी को सेवा में लगाते हैं, भगवत सेवा में, भगवत नाम में, भगवान की भजन में लगाते हैं, खुद करते हैं उस कोई काम और लगाते भी उसको अपना अनुगत्य जन को ठाकुर की सेवा में लगाते हैं, तभी ये गुरुदेव है, तभी ये गुरुदेव है। इसलिए क्या करनी चाहिए, ऐसे जो गुरुदेव है इनको ऐसे गुरुदेव को क्या मानो, अपना आत्मा है उनको देवता रूप में गुरु जी की शरण करो। अभी गुरु जी की शरण में आ गए, फिर करनी क्या चाहिए उसके बाद में, कहते हैं हम जो कुछ करते हैं हम 3 चीज के माध्यम से सारे काम करते हैं, काय मन और वाक्य, ये तीनों को तरह सारे काम करते हैं। इसलिए मरते समय ना 3 जमदूत लेने के लिए आते हैं, क्यों, काय मन वाक्य से जो कुछ करते हो, शरीर से नहीं तो मन, मन से नहीं तो वाणी से करते हैं, तीनों से करते हैं। कहते तो अभी क्या करो, जो काय मन वाक्य से जो दुनिया लोगों के लिए जो काम करते थे, अभी वो दुनिया लोगों के लिए नहीं करे, कि किसके लिए करो, भगवान के लिए करो, सारी चीज़ को ठाकुर जी की सेवा में लगा दो। इसलिए कोई कोई कहते ना अरे भजन तो बड़ा कठिन चीज़ है, कहते नहीं कोई कठिन चीज भजन नहीं, भजन सबसे सरल है। कृष्ण कहते ज्ञान जो कर्म मार्ग कठिन मार्ग है और भक्ति मार्ग एकदम सरल मार्ग, भक्ति का मार्ग है, इसलिए उसमें कोई परिश्रम की जरूरत नहीं, जो कर रहे हो वही करो, अलग कुछ करने का जरूरत नहीं, जो करते हो वही करो। लेकिन पहले तुम अपना शरीर के लिए करता था है, अपना दुनिया के लिए करता था, अभी किसके लिए करो, भगवान के लिए, अभी सब कुछ भगवान के लिए करना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए एक उदाहरण दिया
कोई एक व्यक्ति बहुत घी पीता था, उसको घी पीना बहुत पसंद था, लेकिन अभी घी पीते पीते उसको पेट बदला हो गया, अब पेट में घी हजम नहीं हो रहा, लेकिन उसको घी छूट नहीं रहा है, घी अच्छा लगता है। किसी डॉक्टर के पास में गए, बोले ऐसे ऐसे स्थिति है, लेकिन मैं घी छोड़ नहीं सकता, घी तो पीऊँगा, लेकिन ऐसे कोई दवा दो जिससे पेट सही हो जाए। बोले देखो घी छोड़ने का कोई ज़रूरत नहीं, मैं एक पुड़िया देता हूँ, ये पुड़िया को घी को साथ में मिला करके पहले जैसे पी लेता था ना, अभी पिया मत करो, उसको जीभ में चाट चाट कर खाओ, हैं उसमें खट्टा है, नमकीन है, मीठा है, चटपटी है, हैं पहले पी लेता था इसलिए पेट में बदहजम होता था, अब जो चाटता है ना उसमें तो खट्टा मीठा नमकीन है, बास अभी जैसे अचार खाते हैं ना बास, उसको बड़ी चटपट लगता है, अब मुँह में लाल निकलता है, और लाल जब तक चीज जब अंदर में गया, अभी धीरे 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 जो अपच का काम कर रहा था वो उल्टा काम करना शुरू कर दिया, वो पचने का काम करना शुरू कर दिया, अभी उसका हेल्थ बढ़िया हो गया, घी भी पीना हो गया, खाना हो गया, और उसको हेल्थ भी बढ़िया हो गया। इसका मतलब है ये घी किया कर्म, ये संसार में हम क्यों दुख कष्ट उठा रहे हैं, कर्म की वजह से, इसी जीवन में जो कर्म किया इसको लेकर हम दूसरे जीवन में जाते हैं, दूसरे जीवन में, तीसरे जीवन में, और संसार में आओ तुमको तो दुख कष्ट लेना ही है, चार आठ सात तरह का दुख पाना है, जन्म लेना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, रोग होगा, व्याधि होगा, इस जगत में आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक मानसिक कष्ट, देवता कष्ट, जीव सब भोगना पड़ेगा तुम्हें इस संसार में, किसी को छोड़ेगा नहीं, राजा से लेकर के उसको नौकर तक सबको ये भोगना पड़ेगा, कोई नहीं बोल सकता जगत में बूढ़ा नहीं, जितना च्यवनप्राश खाओ, जितने स्वर्ण भस्म खा लो, जितने जीव में जाओ, कोई नहीं बोल सकता मैं बूढ़ा नहीं बनूंगा, सबको बूढ़ा बनना ही है, कोई नहीं बोल सकता है मैं मरूंगा नहीं, है कोई बोल नहीं सकता मरूंगा नहीं, ये सबको मरना पड़ेगा, है इसलिए यहाँ पर, है इसलिए यहाँ पर आओगे तो तुमको दुख कष्ट भोगना ही है, इसलिए ठाकुर जी के पास में जाना, जहाँ पर जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, दुख नहीं, कष्ट नहीं, जन्म नहीं, जरा नहीं, तत्प्रसादात पराम शांति, जहाँ परम शांति परम सुख है, वो कहाँ है, बोले भगवत धाम में। इसलिए जो कर रहे हो वही करो, लेकिन उसमें क्या करो, बोले उसमें पुड़िया मिला दो, घी में पुड़िया मिला दो, बोले ये पुड़िया क्या है, ये पुड़िया क्या, बोले पुड़िया भक्ति है, पैसा कमाओ, पैसा के बगैर काम नहीं चलेगा, लेकिन पैसा क्यों कमा रहे हैं, ठाकुर की सेवा के लिए, लक्ष्मी है, राधा रानी है, राधा रानी कृष्ण की सेवा में करते, खाना बढ़िया बढ़िया रोज रोज बढ़िया बढ़िया खाना बनाने के लिए क्यों बना रहे हैं, भगवान को भोग लगे, ठाकुर जी को भोग लगे, घर को बढ़िया से साफ करो बोले क्यों, बोले ठाकुर जी का मंदिर है, बच्चों को प्यार दो क्यों, बच्चे भगवान के बच्चे, ठाकुर जी की भक्ति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, इसलिए बढ़िया स्नान पर बढ़िया कपड़ा पहने बोले क्यों, बोले गंदे कपड़ा पहन करके हम कैसे ठाकुर की सेवा करेंगे, हैं अच्छे कपड़ा पहन कर तभी तक ठाकुर की सेवा करेंगे, इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं तब तक ये संसार माया है, हे प्रभु जब तक तेरे लिए नहीं करता तब तक ये माया है, लेकिन जब तुम्हारा लिए सब काम करे पर माया नहीं वो भक्ति, देखने पर लगता है एक भक्त भी वही काम करता है, एक अभक्त भी वही काम करता है, दोनों तो एक ही काम करते हैं, लेकिन आकाश जमीन फर्क है, एक व्यक्ति जो काम कर रहे हैं यज्ञ अर्थात कर्मण अन्यत्र लोक अयम कर्मण है, जब भगवान को छोड़ कर कोई कर्म करोगे उसका फल बंधन है, लेकिन जब भगवान के लिए कोई कर्म करोगे मुक्त संत समाचार है, उसका फल क्या है, भगवत प्राप्ति, इसलिए भक्ति कोई कठिन चीज नहीं, भक्ति सरल है, लेकिन जो कुछ हम दुनिया के लिए करते हैं अभी वो सारे काम किसके लिए करो, वो सारे काम तुम भगवान के लिए करना शुरू कर दो, बस तुम्हारी मुक्ति है, सब कुछ तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, इसलिए क्या करो भगवान के लिए, भगवान के लिए सब काम को भगवान के लिए करो, हैं गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोलो, इसलिए कल इससे आगे कथा सुनेंगे, ठीक है।